हेलो, सभी बच्चे जो सीए में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं और जिनका अभी अभी रिसेंटली 12th का रिजल्ट आया है, उन बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको बड़े ध्यान से देखनी है रिगार्डिंग सीए एंड बीकॉम। तो अभी बच्चों के दिमाग में बहुत भयंकर कन्फ्यूजन चल रहा है कि सर सीए के साथ बीकॉम कैसे करें। अब मेरी वर्डिंग ध्यान से सुने, सीए के साथ आपने क्या करनी है बीकॉम। आपने बीकॉम के साथ सीए नहीं करनी, आपने सीए के साथ बीकॉम करनी है। सर बात तो एक ही, अरे बात एक ही नहीं है। जब आप कहते हैं कि आई एम डूइंग माई बीकॉम अलोंग विद सीए, यानी कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सीए है और सेकंड प्रायोरिटी आपकी क्या है, बीकॉम। और मैं भी यही आपसे कहूंगा कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी सीए की रखनी चाहिए और सेकंड प्रायोरिटी किसकी रखनी चाहिए, बीकॉम की रखनी चाहिए। जबकि बच्चे अभी इतने डरे रहते हैं कि सर मान लो सीए ना हुई तो, मान लो सीए ना हुई तो हम बीकॉम रेगुलर में भी एडमिशन ले लेते हैं, तो क्या क्या आपको समस्याएं आएंगी, उन सब की चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से सुनते जाना। आपके माइंड में जितने क्वेश्चंस आएंगे मैं उन सब के जवाब इसी वीडियो में दे दूंगा, बिल्कुल एंड तक। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं जी सीए की, और सीए के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सीए फाउंडेशन। हाँ सर हमें मालूम है। और सीए फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, सीए इंटरमीडिएट, जिसको शॉर्टकट में बोल दिया जाएगा इंटर। और सीए फाउंडेशन का जो आपका एग्जाम है वो होगा आपका नवंबर 2021 में। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और इंटरमीडिएट का एग्जाम आपका हो जाएगा नवंबर 2022 में। अब इंटरमीडिएट में दो ग्रुप होते हैं। हाँ सर, एक होता है ग्रुप 1 और एक होता है ग्रुप 2। ग्रुप 1 में कितने एग्जाम हो जाएंगे जी, 4। ग्रुप 2 में भी कितने एग्जाम हो जाएंगे जी, 4। टोटल कितने एग्जाम हो जाएंगे, 8। सर जरूरी थोड़ी ना है कि हम 8 के 8, 8 के 8 एग्जाम एक साथ दें। मैंने कहा मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंगल सिंगल करके भी दे सकते हैं, बट 8 एग्जाम देने से क्या फायदा होता है। एक तो आप रैंक के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप सिंगल सिंगल ग्रुप करके एग्जाम देंगे तो आप रैंक के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात, जब आप बिग 4 में, बिग 10 में, बिग 20 में आर्टिकलशिप करने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि भैया अगर आप रैंक होल्डर हैं तो हम आपको क्या देंगे, प्रेफरेंस। तीसरी बात, वो जो बिग 4, बिग 10, बिग 20 वाले ऑर्गेनाइजेशन है वो कहते हैं कि भैया अपनी जो है ना इंटर पूरी क्लियर करके हमारे पास आओ। वैसे तो सीन शूट का रोल है कि एनी ग्रुप, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से कोई भी ग्रुप आप पास करके आप अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं, बट बिग 4, बिग 10, बिग 20 कहते हैं नहीं भैया, हम आर्टिकलशिप आपको जब देंगे जब आपके दोनों ग्रुप के होंगे क्लियर। तो अगर आपने नवंबर 2022 में सिंगल ग्रुप दिया तो आप 6 महीने लेट हो जाएंगे अगर आपका जो है ना टारगेट बिग 4, बिग 10 या बिग 20 है। बिग 4, बिग 10, बिग 20 क्या होती है आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। ऑल ओवर इंडिया में जो टॉप फर्म्स हैं जहां आर्टिकलशिप की जाती है तो उनको शॉर्टकट में बोलते हैं बिग 4, यानी कि बिग 4 फर्म्स, बिग 10 और बिग 20। अच्छा सर, हम आर्टिकलशिप अगर यहाँ करना चाहते हैं तो हमें रैंक लेनी पड़ेगी और 8 के 8 पेपर कम से कम पास करने पड़ेंगे। और अगर हम बीकॉम इसी के साथ करना चाहते हैं तो बताएं बीकॉम में हमें क्या करना पड़ेगा। सर बीकॉम तो बहुत आसान है, पहले बीकॉम का फर्स्ट ईयर होता है, फिर बीकॉम का सेकेंड ईयर होता है, और फिर बीकॉम क्या क्या होता है जी, थर्ड ईयर, जिसे बीकॉम का फाइनल ईयर भी बोला जाता है। अब अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम होगा वो आपका मेरे हिसाब से होना चाहिए मार्च 2022 में। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका जो सेशन है वो 2021-2022 है, तो मार्च 2022 के बाद बारी आती है जी मार्च 2023। मार्च 2023 में आपका सेकेंड ईयर रहेगा और मार्च 2024 में आपका बीकॉम फाइनल ईयर रहेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कोर्स करते हैं बीकॉम का तो यही एक्सपेक्टेड आपकी डेट रहेगी, 15-20 दिन, महीना आगे या पीछे। अब प्रॉब्लम क्या आएगी वो जरा ध्यान से सुने। कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि साहब हम एनुअल एग्जाम नहीं लेंगे, हम 2 सेमेस्टर सिस्टम लेंगे। हम तो कैसे एग्जाम लेंगे जी, सेमेस्टर सिस्टम लेंगे। तो फर्स्ट ईयर आपका 2 बार एग्जाम होगा, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का भी आपका 2 बार एग्जाम होगा, थर्ड ईयर में भी आपका 2 बार एग्जाम होगा। दिस इज कॉल्ड सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, दिस इज सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4, दिस इज सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6। इस तरह 6, टोटल 6 सेमेस्टर में आपकी क्या होगी, बीकॉम। अगर आप 2021 और 2022 के फाइनेंशियल ईयर में आते हैं और आपके 2 सेमेस्टर हैं तो सिंपल सी बात है जी, एक सेमेस्टर आपका दिसंबर में रहेगा, दूसरा सेमेस्टर आपका कहाँ रहेगा, फिर मार्च में। सेम यहाँ पर रहेगा, एक सेमेस्टर आप करेगा दिसंबर में, एक रहेगा मार्च में, और अगला सेमेस्टर फिर या एक रहेगा दिसंबर में, एक रहेगा मार्च में। सर ये जरूरी है दिसंबर में रहे, अरे मैंने कहा दिसंबर नहीं होगा तो कौन सा होगा, नवंबर होगा। नवंबर या दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा आपका और सेकंड फिर आपका मार्च में रहेगा। मार्च में नहीं हुआ तो कोरोना की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है, अप्रैल में हो जाएगा। और किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर सिंगल बीकॉम के अंदर 6 से कम एग्जाम नहीं है,
मतलब आप सेमेस्टर वन में जाते हैं तो आपको कितने एग्जाम प्रिपेयर करने पड़ेंगे? सिक्स। सेमेस्टर टू में जाते हैं तो कितने एग्जाम प्रिपेयर करने पड़ेंगे? सिक्स 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 एंड सिक्स, तो आपके ये टोटल कितने एग्जाम हो जाएंगे? 36, अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो। और अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो कॉरेस्पॉन्डेंस में, जहां पर सेमेस्टर सिस्टम नहीं है एनुअल सिस्टम है, तो भी आपको कम से कम कितने एग्जाम देने पड़ेंगे? 18 एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। अब आप छोटे छोटे बच्चे, नादान बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, नवंबर 2021 के लिए सीए फाउंडेशन की प्रिपेरेशन कर रहे हो। अगर आपने इसके साथ बीकॉम रेगुलर का पंगा ले लिया, हाँ सर बीकॉम रेगुलर का पंगा आपने ले लिया, और आपका इस सेमेस्टर लगता है, तो सेम नवंबर या सेम दिसंबर में आपके बीकॉम के कितने एग्जाम रेडी हो जाएंगे? सेमेस्टर नंबर वन के कितने एग्जाम रेडी हो जाएंगे? सिक्स। उधर से सीए के फाउंडेशन के कितने एग्जाम है जी? फोर एग्जाम है। उधर से फर्स्ट सेमेस्टर के कितने एग्जाम हो जाएंगे जी? सिक्स एग्जाम हो जाएंगे। यानी कि आपको नवंबर, और यू कैन से दैट दिसंबर 2021 तक कम से कम 10 एग्जाम्स की क्या करनी पड़ेगी? प्रिपरेशन। और अगर सीए फाउंडेशन और आपके बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में कोई क्लैश आ गया तो वो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। और अगर बीकॉम का एक दो एग्जाम बीच में आ गया, एक दो एग्जाम फाउंडेशन का आ गया, फिर इंटर का आ गया, मतलब फाउंडेशन का आ गया फिर बीकॉम का आ गया, तो भी आपको गंभीर समस्या होगी। और अगर फाउंडेशन के बाद बीकॉम के सारे एग्जाम आते हैं तो फिर आपके बीकॉम में परसेंटेज क्या रहेंगी? कम। तो ये सारी समस्या आपको देखनी है। अब इन समस्याओं का समाधान क्या होता है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले समस्या बताता हूँ आपको क्या होती है और ऑप्शंस बताता हूँ आपको क्या क्या होती है। बीकॉम करने की है केवल और केवल आपके पास दो ऑप्शन। हाँ सर सही बात है, बीकॉम करने की दो ही ऑप्शन है, या तो हम बीकॉम कर सकते हैं रेगुलर, या फिर हम कर सकते हैं बीकॉम कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर हम बीकॉम रेगुलर करते हैं तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन रहती हैं कि या तो हम बीकॉम पास कर सकते हैं या हम बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स तो गारंटी है कि रेगुलर ही होगी। जो बीकॉम पास है वो आप रेगुलर स्ट्रीम से भी कर सकते हैं, और कॉरेस्पॉन्डेंस से जब आप बीकॉम करने जाते हैं तो उसको सिंपल बीकॉम और यू कैन से दैट बीकॉम पास बोला जाता है। बीकॉम पास, बस सिंपल वाली बीकॉम, सिंपल वाली बीकॉम, कॉरेस्पॉन्डेंस वाली बीकॉम। अब सर पहले तो ये बात बताएं, बीकॉम रेगुलर करने में और बीकॉम कॉरेस्पॉन्डेंस करने में क्या डिफरेंस है? और अगर हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से बीकॉम की बात करें तो क्या उनकी मार्केट वैल्यू, क्या उनकी वैल्यू जो बीकॉम है उसकी वैल्यू में डिफरेंस है? मैंने कहा बिल्कुल डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस कहाँ नहीं है आपने ये देखना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उस गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करने के लिए कहा जाता है कि स्टूडेंट मस्ट बी ग्रेजुएट, स्टूडेंट मस्ट बी ग्रेजुएट, तो वो सिर्फ ये बोलेंगे कि स्टूडेंट मस्ट बी ग्रेजुएट, वो ये नहीं कह सकते कि आपको ग्रेजुएशन रेगुलर मोड में करनी है या आपको ग्रेजुएशन कॉरेस्पॉन्डेंस मोड में करनी है। आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म एक फिल कर पाएंगे चाहे आपने बीकॉम रेगुलर किया है, चाहे आपने बीकॉम कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, चाहे आपने बीकॉम रेगुलर पास मोड से किया है या आपने रेगुलर ओनर के मोड से किया है। तो गवर्नमेंट जॉब में एज फार एज डिग्रीज कंसर्न कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? आपको ग्रेजुएशन की डिग्री हर कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, हर एक यूनिवर्सिटी दे रही है, हर एक मोड से दे रही है, रेगुलर में पास से दे रही है, रेगुलर में ओनर से दे रही है और कॉरेस्पॉन्डेंस से भी दे रही है। गवर्नमेंट जॉब में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि किसी भी डिग्री के बेस पर आपको जॉब मिलने वाली नहीं है। आप सिर्फ एक फॉर्म क्या कर सकते हो? फिल। फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या देना पड़ेगा? एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसके अंदर हिस्ट्री आएगी, पॉलिटिकल साइंस आएगी, मैथमेटिक्स आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी। वो गवर्नमेंट जॉब के अलग अलग, गवर्नमेंट जॉब के अलग अलग क्या है जी? पैटर्न, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या देना पड़ेगा? एग्जाम। और एग्जाम देने के बाद आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरव्यू। और इंटरव्यू देने के बाद आपका होगा मेडिकल, तब जाके आप गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होंगे। तो अगर आप नियर फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में कहीं से बी कॉम करें कोई फर्क नहीं पड़ता। पास करें मतलब रेगुलर करें या कॉरेस्पॉन्डेंस करें तो भी कोई फर्क नहीं है, मैंने कहा ना तो भी कोई फर्क नहीं है। हम पास से करें या ऑनर से करें तो भी कोई फर्क नहीं है, मैंने कहा ना कोई फर्क ही नहीं है। रेगुलर में कोई सा मोड हो, कॉरेस्पॉन्डेंस में कोई सा मोड हो, बीकॉम इज इक्वल टू बीकॉम, बात खत्म। ग्रेजुएशन इक्वल टू ग्रेजुएशन इफ इफ योर टारगेट इज गवर्नमेंट जॉब। ये बात तो क्लियर हो ही गई, ठीक बात है जी। अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब की। बात किसकी करते हैं? प्राइवेट जॉब की। सर हम ना बीकॉम के बेस पर अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो कुछ ना कुछ फर्क होता होगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल होता है। बीकॉम की डिग्री आपको इंटरव्यू में बैठने के लिए जरूरी है,
हाँ सर, बीकॉम की डिग्री आपको इंटरव्यू में एंटर करने के लिए रिक्वायर्ड है, और अगर कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपका इंटरव्यू लेता है तो वो आपकी सिर्फ डिग्री नहीं देखेगा, वो सिर्फ आपका कागज का टुकड़ा नहीं देखेगा, वो आपकी स्किल्स देखेगा। अलग अलग फील्ड में आपकी क्या क्या स्किल है, कंप्यूटर की क्या नॉलेज है आपको, इंग्लिश की क्या नॉलेज है, लैंग्वेज के ऊपर आपकी क्या नॉलेज है, आप अपनी बात कैसे सामने वाले को समझा पाते हो, आपके अंदर एटिकेट्स कितने हैं। अब इन सब चीजों के मिक्सचर के बाद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या देता है आपको, जॉब। हाँ, उसमें एक एक मैटर करता है पॉइंट, वो है बीकॉम आपने किस कॉलेज से की हुई है, किस यूनिवर्सिटी से की हुई है और कौन से मोड से की हुई है। और ये जो डिफरेंस आता है ना, ये जो डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस का जो लेवल है वो बहुत माइनर सा है, और यू कैन से दैट नेग्लिजिबल सा है। एक बच्चा है, इल्यूजरी नाम लेंगे ए, और एक और बच्चा है, इल्यूजरी नाम लेंगे बी। ए ने क्या करा, ए बी सी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, और बी ने क्या करा, डी ई एफ यूनिवर्सिटी से डिग्री ली। अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि भैया आपने जो डिग्री ली है उसको साइड में रखो, आप बताओ मेरे लिए क्या कर सकते हो। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 1 लाख रुपए महीना कमा के दे सकते हो तो वो आपको 60 से 65 हज़ार रुपये सैलरी दे देगा। आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को 2 लाख रुपए का काम करके दोगे तब वो आपको 1 लाख 1.25 लाख रुपये सैलरी दे देगा। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम ही जब 40 हज़ार रुपये का करके दोगे तो आपको 40 हज़ार सैलरी थोड़ी देगा, वो 40 हज़ार से कम आपको सैलरी देगा, 20 दे 22 दे 25 दे। तो जो आप काम करके देंगे उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को जहां पर आप जॉब चाह रहे हैं, तो वो जो काम आप करके देंगे वो सिर्फ आपकी डिग्री, सिर्फ आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके बेस पर आप काम नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, आपके अंदर बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, इंटरनेट की आपको कितनी नॉलेज है ना जी, सोसाइटी की आपको कितनी नॉलेज है, जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे जो है ना अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, अपने सीनियर से आपने कैसे बात करनी है, कैसे आपने प्रमोशन लेनी है, कैसे आपने नई नई चीजें सीखनी है, बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्राइवेट जॉब में आपको सर्वाइव करने के लिए और प्राइवेट जॉब में आपको प्रमोशन पाने के लिए करनी पड़ती है। इसके अंदर एक बोलना तो नहीं चाहिए, इसके अंदर एक फैक्टर आता है, सेक्स फैक्टर भी आता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। प्राइवेट जॉब वाले फीमेल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं, अरे मेरे पास कोई फीमेल काम करे तो मैं उसको डांट भी लगा दूंगा, वो ज्यादा वैसे नहीं करेगी, वो चुपचाप डांट सहन कर लेगी। लेकिन मेल जो है ना एम्प्लॉय से काम कराना और फीमेल एम्प्लॉय से काम कराना, उन दोनों में बहुत फर्क है। फीमेल एम्प्लॉय के पास सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा होती हैं, दूसरी बात वो कम सैलरी में भी काम करने के लिए तैयार होती हैं, क्योंकि कई बार जो फीमेल गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स होती हैं 21 22 23 साल की, वो कई बार कम सैलरी में भी काम करने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता अर्निंग का। लेकिन बॉयज के ऊपर तो प्रेशर रहता ही अर्निंग का, तो वो थोड़े समय बाद कहते हैं कि हमारी सैलरी क्या करो, इंक्रीज करो। इसलिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने बीकॉम के बेस पे ही जॉब लेनी है तो भाई सीए फाउंडेशन कर ही क्यों रहे हो। देखो मेरी बातें इस वीडियो में आपको पिंच करेंगी, तंग करेंगी, आपके हृदय को आघात पहुंचाएंगी, और मैं चाहता हूं कि वो आपको पिंच करें। तो या तो आप इस पार आ जाएंगे या आप इस पार आ जाएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे, सीए में भी एडमिशन ले लो, मैं आपको ऐसे चक्कर दिलाता हूं, एक एग्जाम्पल लेके, इलूजरी एग्जाम्पल लेके आप परेशान हो जाएंगे। मैं सीए में एडमिशन ले लेता हूँ फाउंडेशन में, ठीक है सर, आपने सीए फाउंडेशन में एग्जाम, मेरे को क्या करना है एडमिशन लेने के बाद, 4 एग्जाम देने हैं। मेरे एग्जाम कब हैं सर, हम तो एडमिशन ले चुके, हमारा तो नवंबर 2021 में 4 एग्जाम पेंडिंग है। क्या मैं आज अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर में इन 4 एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ? हाँ, मुझे ही नहीं पता मेरी डेट शीट नवंबर के मिड में है, नवंबर के एंड में या दिसंबर में है। अभी तक मेरी प्रोबेबिलिटी कह रही है कि नवंबर में जो दीपावली है वो स्टार्टिंग में ही है, तो दिवाली के बाद 99.9% दिवाली के बाद सीए फाउंडेशन का एग्जाम होगा। मेरी ये जो है ना मेरी इंट्यूशन कह रही है, मेरी ना इसी इंस्टीट्यूट में कोई सेटिंग है ना मैंने किसी बड़े आदमी से फिलहाल बात करके बात बता रहा हूँ। अभी तो अगस्त में मैं आपसे बात बता रहा हूँ, तो अभी तक मैंने किसी से बात ही नहीं करी, और इंस्टीट्यूट ने भी अभी सब कुछ फाइनल नहीं है कि, लेकिन मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि दिवाली के बाद ही होगा, क्योंकि नवंबर की स्टार्टिंग में दिवाली है। अब अगर हम इसी इसी दौरान आजकल में अगस्त के फर्स्ट वीक में कहीं पर भी बीकॉम में एडमिशन ले लेते हैं और रेगुलर में एडमिशन ले लेते हैं और जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम लगता है, तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है सर? नवंबर 2021 में या दिसंबर 2021 में मेरे बीकॉम के 6 एग्जाम मेरे सिर पर है।
बिल्कुल जी, जैसे आप फाउंडेशन का एग्जाम देके अटेंगे वैसे आपके आपके ऊपर बीकॉम के एग्जाम आ जाएंगे। जैसे ही आप सीए फाउंडेशन का रिजल्ट लेकर आएंगे, सर हम इसका रिजल्ट लेकर आएंगे जनवरी 2022 में, जनवरी 2022 में जैसे रिजल्ट आएगा, जनवरी से लेकर नवंबर 2022 तक, अगर आपका टारगेट बोथ ग्रुप है, अगर आपका टारगेट बिग फोर है, तो आपको रैंक के लिए प्रिपेयर करना है। और आपको कितने एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है? सर हमें 8 एग्जाम, 8 पेपर के लिए हमें क्या करनी है? तैयारी करनी है। अगर आप इन 8 पेपर की तैयारी कर रहे हैं और उधर से मान लीजिए आपका बीकॉम रेगुलर है, तो आपके 6 एग्जाम बीकॉम के आ जाएंगे। हाँ सर, बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर के आपके 6 पेपर आ जाएंगे, और ये पेपर मेरे हिसाब से होंगे मार्च में। कुछ यूनिवर्सिटीज में ये मार्च में रहेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज में ये अप्रैल में रहेंगे। अदर थिंग्स बींग रिमेनिंग द सेम, ये वाली लाइन हर जगह लगेगी, मैं बोलूँ या ना बोलूँ हर जगह लगेगी। कोरोना की तीसरी वेव कब आ जाए कुछ नहीं पता, गवर्नमेंट कब लॉकडाउन लगा दे कुछ नहीं पता, कब क्या हो कुछ नहीं पता। ये सब एक मैं आपको नॉर्मल सरकमस्टांसेस में, नॉर्मल सिचुएशन की बात आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप ये 6 एग्जाम देंगे, तो आपको इन एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और साथ में बता देता हूँ आपको, नवंबर 2022 में आपकी इंटरमीडिएट के साथ साथ आपके थर्ड सेमेस्टर के, बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर के 6 एग्जाम फिर से तैयार हैं। अच्छा, यानी कि अगर हम बात करें आज से लेकर, आज क्या है जी, अगस्त 2021 और नवंबर 2022 तक की अगर हम बात करें, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सर 4 एग्जाम फाउंडेशन के, 6 एग्जाम आपके फर्स्ट सेमेस्टर के, 6 एग्जाम आपके सेकंड सेमेस्टर के, और 8 एग्जाम आपके सीए इंटरमीडिएट के। मैं ये जिसके ऊपर सर्कल लगा रहा हूँ, ये सीए के एग्जाम है, ये सीए फाउंडेशन के 4 पेपर हैं, एग्जाम बोल रहा हूँ या पेपर बोल रहा हूँ आप समझ जाएं। और यहाँ पर 8 पेपर आपके सीए इंटरमीडिएट के, इधर से बीकॉम फर्स्ट ईयर के 6 पेपर, और इधर से बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के 6 पेपर। 6 + 6 = 12, 12 + 4 = 16, 16 + 8, अरे भगवान, हे भगवान, 24 एग्जाम आपको देने आज से लेकर नवंबर 2022 तक। अब आप खुद सोच लीजिए, एक एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए आपके पास कितना समय है? 1 महीना भी नहीं है। हाँ सर, सही बात कह रहे हो, 24 महीने होते हैं आपके पास ना, तो आपके पास हर एक एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए 1 महीना होता, और आपके पास 24 महीने नहीं है। और उनमें से भी धुरंधर धुरंधर 8 एग्जाम इंटरमीडिएट के और 4 एग्जाम किसके? फाउंडेशन के। और मजे की बात, अगर हम बिग 4, बिग 10, बिग 20 का सपना लिए बैठे हैं, तो ये एग्जाम हमें पास नहीं करने। ऑल ओवर इंडिया पे मेहनत करके एफर्ट्स लगा के, सिस्टमेटिक स्टडी करके, और रैंक की प्रिपरेशन करनी है। तो मुझे अपने दिल पर हाथ रख के खुद सोच लें कि ये 6 + 6 = 12 पेपर आपके आपको तंग करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ सर, ये तो तंग तो करेंगे, ये तो जब है, जब मैंने ये कहा है कि आपका थर्ड सेमेस्टर आपके इंटर के बाद होगा। हाँ सर, ये फर्स्ट सेमेस्टर के, ये सेकंड सेमेस्टर के। फर्स्ट सेमेस्टर कब हो जाएगा? नवंबर 21 में। सेकंड सेमेस्टर कब हो जाएगा? मार्च 22 में। थर्ड सेमेस्टर कब होगा? नवंबर 22 में। ओहो, नवंबर 22 में थर्ड सेमेस्टर भी तो आ जाएगा। और थर्ड सेमेस्टर में फिर से कितने एग्जाम हो जाएंगे? 6 एग्जाम, और 24 + 6 कितने एग्जाम हो जाएंगे? 30 एग्जाम हो जाएंगे। छोटी छोटी जानो तुम, 1.5 साल के अंदर आपको कितने पेपर देने पड़ेंगे? 30 पेपर देने पड़ेंगे। सर इनका सिलेबस भी तो मैच करता होगा? मैंने कहा हाँ मैच करता है सर, 70% तो मैच करता होगा। मैंने कहा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर 70% पेपर मैच करता है, मैं मानता हूँ इस बात को। अगर हम एमडीयू की बात करते हैं तो 70% सिलेबस मैच करता है, मैं केयूके की बात करता हूँ तो मैं मानता हूँ कि 70% सिलेबस मैच कर रहा है। फिर भी पेपर देने तो जाना पड़ेगा। उस दिन आप सीए की तैयारी नहीं कर सकते, जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पहले वाले दिन आप सीए की एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। यानी कि जब आपके ये 6 एग्जाम होंगे, तो ये 6 एग्जाम के लिए आप समझ लो आपके 12 से 15 दिन खराब हो गए, जिस दौरान आप सीए की स्टडी नहीं कर पाओगे। और जब ये 6 एग्जाम होंगे, जब फिर आप 12 से 15 दिन, यानी कि आपका 1 महीना, तो जब है जब आप बीकॉम को ध्यान ही ना दें, सिर्फ एग्जाम देने जाए, और एग्जाम से पहले वाले दिन बीकॉम की प्रिपरेशन करें, इट मीन्स तो भी आप कम से कम 1 महीना अपनी स्टडी का, सीए की स्टडी का सेक्रीफाइस करेंगे इस बीकॉम की पिद्दू सी बेचारी सी डिग्री लेने के लिए, वो भी जिसकी कुछ खास वैल्यू नहीं है। अगर अगर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? सीए। सर इतना तो हमने सोचा नहीं था, तो सोचो ना भाई, कौन मना कर रहा है सोचने से? सर हमने एसआरसीसी का नाम सुना है, दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस का नाम सुना है, वहां पे 8-8 लाख के पैकेज जाते हैं। मैंने कहा मानता हूं पैकेज जाते हैं, कितने बच्चों के जाते हैं ये देखिए आप, कितने बच्चों के जाते हैं? हार्डली 2-4 बच्चों के, 5 बच्चों के, 10 बच्चों के, बहुत अच्छे पैकेज जाते हैं, बाकी बच्चों के एवरेज पैकेज जाते हैं। और हम सुनते सिर्फ हमेशा किसकी हैं?
टॉपर की सुनते हैं कि भैया फलाने बच्चे का 8 लाख का पैकेज चला गया, 10 लाख का पैकेज चला गया। तो हमारे सी में भी अगर आप टॉपर की बात करें तो क्या पता कहाँ कहाँ तक जो है ना पैकेज जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमने बीकॉम को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा और सीए को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, तो अगर गलती से, सर वैसे नेगेटिव बोलना तो नहीं चाहिए, अगर गलती से हमारी सीए नहीं हुई तो हमने सुना है बड़ी मुश्किल होती है, फाउंडेशन तो हम पढ़ रहे हैं, हमें बड़ी आसान लग रही है आप, है ना, और हमें हमारे बेसिक क्लियर होते जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही फाउंडेशन में, लग रहा है हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने सुना इंटर थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है। अरे भैया मुश्किल मुश्किल कुछ भी नहीं होता, ढंग से पढ़ोगे तो सब कुछ आसान है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी जब आप ढंग से पढ़ना करते हैं बंद और चिंता करते हैं ज़्यादा। एक वर्ड बोल रहा हूँ जो आपको बड़े ध्यान से समझना है, मेरे टीचिंग कैरियर में मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो पढ़ाई कम करते हैं और पढ़ने की एक्टिंग ज़्यादा करते हैं। पढ़ाई क्या करते हैं? कम, और पढ़ाई करने की एक्टिंग क्या करते हैं? ज़्यादा। मतलब कोचिंग पे जाना है, पहले 1 घंटे पहले आपने काम करना बंद कर दिया, रिलैक्स मोड में बैठे हैं, फ़ोन को ऐसे घुमाए जा रहे हैं, है ना जी, पाउडर लगा रहे हैं, बिल्कुल कपड़े प्रेस कर रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, 1 घंटा जाने का, कोचिंग से आए, आते ही ऐसे लेट गए और घर वालों पर एहसान किया, अरे मम्मी मैं अभी पढ़ कर आया हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करने दो, एक मूवी देखने दो, एक ये सीरियल देखने दो, एक एक गेम खेलने दो, एक लेवल और पार करने दो फलानी गेम का। मैं गेम के नाम भी नहीं लूंगा, आपको सबको पता है आप कौन सी गेम खेलते हैं, कौन कौन सी गेम आप नहीं खेलते, आप अपने आप को स्वयं एनालाइज करें, जीवन आपका है मेरा नहीं है, मैं तो आधा घंटा बोल के चला जाऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चा ट्रैक से हट रहा है, इंटेलिजेंट होते हुए मिसगाइड होने की वजह से ट्रैक से हट रहा है, वो बच्चा कम से कम किस पे आ जाए? ट्रैक पे आ जाए। आपने खुद डिसाइड करना है कि आप ट्रैक पे आना चाह रहे हैं या एक्टिंग ज्यादा करना चाह रहे हैं। स्टडी मुश्किल नहीं है जी, बीकॉम सीए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो है इस दुनिया में सिर्फ परमपिता परमेश्वर का नाम लेना, जो किसी के बस का नहीं है लेना। हम 5 मिनट भी भगवान का ध्यान लगाते हैं भैया हमारा ध्यान नहीं लगता, लेकिन हम पढ़ते हैं 8-8 घंटे 6-6 घंटे पढ़ते हैं, नहीं सर हम कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ लेंगे, सीए में भी पढ़ लेंगे, बीकॉम पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, रैंक आपकी आएगी, आपके पेरेंट्स का नाम होगा, आप ही का नाम होगा, जीवन आपका सुधरेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी आपको, अच्छा बिजनेस मैन अगर आप बनोगे तो बड़े होगे, वो आप बनोगे, जीवन आपका है, करियर आपका है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद जो सक्सेस मिलेगी उसकी मिठास भी आपको ही मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी। जब मैं मुझे बोलता हूँ तो डू नॉट टेक इट पर्सनली, मुझे का मतलब है जितने भी टीचर्स हैं उनको तो आपने थोड़ी सी रेमुनरेशन दी है और यू कैन सी दैट कंसिडरेशन दी है और उनको आपने पढ़ाने के लिए कहा है, हम तो अपनी कंसिडरेशन लेके हट जाएंगे और हम खुश मेन जब होते हैं जब हमारा बच्चा हमारे से भी ज़्यादा प्रोग्रेस करे, हमारे से भी अच्छे मार्क्स लाए, जो गलतियां हमने अपने जीवन में करी हैं वो गलतियां बच्चा अपने जीवन में ना करे। ठीक बात है सर, आपने बताया 24 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे या फिर हमें 30 एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे। अगर हम रेगुलर में ना जाके कॉरेस्पोंडेंस में जाते हैं तो क्या होगा? अगर हम रेगुलर में जाके कॉरेस्पोंडेंस जाते हैं तो पहली बात तो अटेंडेंस का कोई चक्कर ही नहीं है। सर आप अटेंडेंस की तो बात ही मत करो, हम तो ऐसे रेगुलर कॉलेज में जाएंगे वहाँ पे अपनी एडजस्टमेंट है, वहाँ पर भी अटेंडेंस का पंगा नहीं है। अरे आपको लग रहा है ना नहीं है, मैं दिखाता हूँ अटेंडेंस का कितना भयंकर पंगा है। आप हमेशा नेगेटिव सोचते क्यों हो, मैं इतना पॉजिटिव भी तो सोचो, अटेंडेंस का पंगा मैं करके दिखाता हूँ आपको। सर कैसे होगा अटेंडेंस का पंगा? आपने नवंबर 2022 में, सॉरी बेटा नवंबर 2021 में आपने कर लिया सीए फाउंडेशन, हाँ सर कर लिया नवंबर 2021 में हमने सीए फाउंडेशन कर लिया, नवंबर 2022 में आपने इंटरमीडिएट कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इंटर कर दिया, जनवरी 2023 में आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट के साथ आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप उधर से बीकॉम करते हैं तो आप क्या करेंगे, 21-22 21-22 में आप फर्स्ट ईयर करेंगे और 22-23 में आप सेकंड ईयर करेंगे और 23 की जनवरी में तो आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी, जबकि 23 की मार्च में आपका सेकंड ईयर खत्म होगा, उसके बाद आपकी जो बीकॉम फाइनल ईयर है वो 22-23 में सेकंड ईयर और 23-24 में आपकी क्या रहेगी, बीकॉम फाइनल ईयर। इस बीकॉम फाइनल ईयर को अगर आप रेगुलर मोड पे कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी क्या लगेगी, अटेंडेंस, इधर से सीए के अंदर जब आप पार्टिसिप कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी क्या लगेगी, अटेंडेंस, और एक व्यक्ति एक समय में 2 जगह अटेंडेंस नहीं लगवा सकता, प्रेजेंट नहीं लगवा सकता। सर हमारी सेटिंग है ना, हम कॉलेज जाएंगे नहीं, अटेंडेंस लगवा लेंगे, अरे आप काम तो गलत कर रहे हो ना, आप इलीगल काम कर रहे हो,
कल को अगर आपने एक जगह ये दोनों डिग्री साइमल्टेनियसली रख दी तो सामने वाला कहेगा, भाई साहब जब आप फाइनल ईयर में थे तो रोज कॉलेज भी जाते थे और आप आर्टिकलशिप करने भी जाते थे, 9 से 5 हमारी सीए की आर्टिकलशिप का समय है, आप उसी समय कॉलेज भी जाते थे। हाँ सर सही बात है, हम एक काम करेंगे ना, हम क्या करेंगे, आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा अच्छा तो क्या करोगे, सर हम बीकॉम रेगुलर करेंगे और 1 साल बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे जब हमारी बीकॉम खत्म हो जाएगी, यानी कि 23-24 की अप्रैल 2024 में जब हमारी बीकॉम खत्म हो जाएगी, हमारे बीकॉम के एग्जाम हो जाएंगे, तो हम उसके बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे। अरे आपकी सीए फाइनल आर्टिकलशिप के 2.5 साल बाद हो सकती है, सीए फाइनल के एग्जाम आर्टिकलशिप के 2.5 साल बाद हो सकते हैं, यानी कि अप्रैल 2024 के बाद अगर आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हो तो इसमें 3 साल जोड़ेंगे तो 2027 में जाके आप सीए बनेंगे, अदरवाइज नवंबर 21, नवंबर 22 और इसमें 3 साल और जोड़ोगे तो नवंबर 25 में आप सीए बन सकते हो। और यहां पे जारी थी 2027 जा रहा था, आपका 1.5 पौने 2 साल एक्स्ट्रा लग रहा है, वो भी उस बीकॉम की डिग्री के लिए जिसके बेस पे आपने कहीं जॉब ही नहीं करनी। हाँ सर सही बात है, हमने जैसी बीकॉम करी हमने जॉब नहीं करी, हम आर्टिकलशिप के अंदर चले गए, फिर हमने सीए फाइनल के एग्जाम दिए, फिर हम सीए बने और हम सीए की बेस पर जॉब अप्लाई कर रहे हैं, सीए के बेस पर काम कर रहे हैं। और आप खुद सोचे ना, एक मतलब कितना हंसी वाली बात आएगी, कोई भी व्यक्ति किसी भी जॉब के लिए जाता है, कहता है आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अलोंग विद आई एम ग्रेजुएट अलोंग विद मैंने बीकॉम की हुई है। बताओ जब आपने सीए बोली दिया तो क्या बीकॉम की कुछ मान्यता रहेगी, बीकॉम की कोई जरूरत रहेगी? सीए इज मच मच हायर देन बीकॉम, और आजकल तो सीए को पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर भी बोल दिया गया है। तो जब आपके पास सीए है तो उसमें बीकॉम ऐड करने से आपकी कोई सैलरी थोड़ी ना इंक्रीज हो जाएगी। हाँ सर सही बात है, तो भैया इस पिद्दी सी डिग्री के लिए जिसके बेस पे आपको कुछ खास बेनिफिट होने वाला नहीं है, आपने अपनी सीए के 1.5 पौने 2 साल क्या कर दिए, लेट कर दिए, एक्सटेंड कर दिए, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। सर आप ऐसा कहते रहे हो यहाँ बैठे हुए, लेकिन हमने सुना है बीकॉम में जो एन्जॉयमेंट होती है वो सीए में नहीं होती। क्या हो गया, 1-2 साल, 1.5 साल, 2 साल सीए लेट हो जाएगी तो क्या हो गया? जो बीकॉम का आनंद है, जो कॉलेज लाइफ का आनंद है वो तो मिलेगा, दिल्ली में घूमेंगे, मॉल्स में घूमेंगे, मेट्रो में घूमेंगे, नए नए दोस्त बनाएंगे, यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, कहाँ कहाँ घूमोगे, आपने जो ख्याली पुलाव बना रखे हैं उससे डबल ख्याली पुलाव मैं आपके आपको सीए में दिखा सकता हूँ, और मैं ये प्रूव भी कर सकता हूँ कि वो ख्याली पुलाव नहीं है, वो हकीकत है, वो सपना नहीं है, वो क्या है, हकीकत। बीकॉम में 3 साल के अंदर अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्टेट से करते हैं, अपने होम टाउन में रह के करते हैं, बाहर जाके करते हैं, बीकॉम में जो आपका फ्रेंड सर्कल इंक्रीज होगा वो फ्रेंड सर्कल आपके ही जैसा होगा। हाँ सर और क्या, हमारे जैसा ही होगा, हमारी क्लास के बच्चे होंगे तो हमारे जैसे ही होंगे। हो सकता है कुछ दोस्त आपके बहुत अच्छी फैमिली से बन जाए, उनसे आपके कुछ गुड रिलेशन हो जाए, जिनका आप फ्यूचर में रिलेशन बना के फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज मेरे को लगता नहीं यहाँ से आपकी कुछ खास इंप्रूवमेंट हो रही है। जो बीकॉम रेगुलर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसआरसीसी का नाम ले, किसी भी कॉलेज का नाम ले, वहां पर जो आपके फ्रेंड्स बनेंगे उनमें से बहुत सारे दोस्त आपके ऐसे होंगे जिनकी फैमिली बैकग्राउंड एज फार एज फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज कंसर्न बहुत स्ट्रांग होगी, और वो 3 साल एंजॉय करने के मकसद से ही बीकॉम में आए होंगे, मैनेजमेंट सीट पे एडमिशन लेकर आए होंगे, या उनके सीबीएसई में बहुत अच्छे नंबर आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली वाले बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, आपकी भी अच्छी है, आपने भी बहुत अच्छी मेहनत की है 12th में, और 12th में नॉर्मल बच्चे मेहनत करता है क्योंकि एक स्कूल का प्रेशर रहता है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल से जाता है तो वो मन लगा के, मन में सोच के आता है कि भैया मैंने 3 साल एंजॉय करने हैं, क्योंकि उसके फादर के पास पैसे की कमी नहीं है और उसको ये भी पता है कि 3 साल बीकॉम करने के बाद मैंने जॉब थोड़ी नहीं करनी है। अरे मेरे पिताजी की फैक्ट्री है और हमारी 50 करोड़ रुपए की टर्नओवर है, मैं जरूरी है बीकॉम करके कहीं 20-25-30 हज़ार की नौकरी करूंगा? नहीं करूंगा, मैं अपने ही फैक्ट्री में बैठूंगा, मैं अपने ही शोरूम पर बैठूंगा। और दिल्ली में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और उनके बच्चे बीकॉम बीबीए एमबीए सिर्फ एंजॉयमेंट करने के लिए, मस्ती करने के लिए आते हैं, और पेरेंट्स भी कहते हैं यार 2-4 साल हैं तेरे पास, एंजॉय कर ले कॉलेज की लाइफ। जिस दिन दुकान पे बैठ गया, लाला जी होगा तो कहेगा भैया जिस दिन गल्ले पे बैठ गया उस दिन के बाद तेरा एंजॉयमेंट बंद है, 1-2 साल तेरे पास है, एंजॉय कर ले। उन बच्चों के साथ अगर आप रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार लाइफ बहुत अच्छी है, आपको लगेगा लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन कितने दिन लगेगा, 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, बस उसके बाद सब अपने अपने गल्ले पे बैठ जाएंगे।
मैं गल्ला वर्ड बोल रहा हूँ, ये फैक्ट्री भी हो सकती है, कोई भी बड़ा जो है ना उनका सेटअप हो सकता है, किसी की मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट होगी, कोई सर्विसेज सेक्टर में बहुत आगे जा रखा होगा, किसी के बहुत अच्छे अच्छे शोरूम होंगे, किसी ने सर्विस स्टेशन ले रखे होंगे, इस तरह के बहुत बच्चे आपके दोस्त बनेंगे। वो आपकी क्या मदद कर पाए, उन्होंने आपकी क्या मदद करी, उन्होंने सिर्फ आपका साथ दिया 2 से 3 साल आपके एंजॉयमेंट करने के लिए, जो जो कि टेम्परेरी एंजॉयमेंट है। 2 से 3 साल के एंजॉयमेंट को मैं हमेशा टेम्परेरी मान रहा हूँ। अब अगर आप सी यही काम अगर आप सीए में करते हैं और आप बहुत अच्छी फर्म में आर्टिकलशिप में जाते हैं, बिग 4 में अगर आप आर्टिकलशिप में जाते हैं, बिग 10 में अगर आप आर्टिकलशिप में जाते हैं, टॉप 20 फर्म में आप आर्टिकलशिप में जाते हैं, तो क्या होगा? ये हमारी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई 6 महीने, 6 महीने, 2 साल 3 साल, ये जो शुरू का 1 साल है ना, यही स्ट्रगलिंग है। दूसरा साल प्योर एंजॉयमेंट का है, तीसरा साल फिर स्ट्रगलिंग है। सर ये क्या बात हुई? मैंने कहा भी प्रूव करता हूं आपको, पहले साल जब आप जाएंगे तो आप पहली बात जूनियर हैं। हाँ सर, आप जूनियर हैं, आपको हो सकता है ज्यादा काम दिया जाए, वाउचिंग वेरिफिकेशन का काम दिया जाए, आपकी मनपसंद का काम ना दिया जाए, जो आपके ऊपर वर्क लोड होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन जो लेवल ऑफ वर्क है वो थोड़ा सा बिलो लेवल होगा, क्योंकि आप सीनियर नहीं है। आप धीरे धीरे सारी चीजें सीखेंगे, उनके सॉफ्टवेयर सीखेंगे, उनका काम करने का प्रोसेस सीखेंगे, फिर धीरे धीरे आपको नॉलेज होगी। तो इस 6 महीने में, पहले साल के आखिरी वाले 6 महीने में आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि नए बच्चे आ जाएंगे जो आपसे जूनियर होंगे, क्योंकि सीए का एग्जाम हर 6 महीने बाद हो रहा है, तो आपसे नीचे कोई तो है, कोई तो है 6 महीने बाद, कोई तो होगा जो आपसे भी जूनियर होगा। फिर आप जैसे ही सेकेंड ईयर में आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का आपके ऊपर फेथ हो जाता है, आपको काम करना आ जाता है, वो थोड़ा सा आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये जो दूसरा साल है आपकी आर्टिकलशिप का, ये टोटल आर्टिकलशिप करने का समय है आपके पास। आपका प्रिंसिपल, आपके फर्म, आपका ऑर्गेनाइजेशन कहता है भाई साहब बॉम्बे जाना है आर्टिकलशिप करने के लिए, आपको बॉम्बे जाना है फलाने ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए, मिंट लगाओ चले जाओ। वो कहता है भाई साहब बैंगलोर जाना है, मिंट लगाओ चले जाओ। वो कहता है चंडीगढ़ जाना है, मैं कह रहा हूँ मिंट लगाओ चले जाओ। आधा देश घुमा सकते हैं अगर आप बिग 4, बिग 10, बिग 20 में अच्छे ढंग से आर्टिकलशिप करते हैं, तो उनका नहीं भरोसा, आपको कहाँ घुमा दें। और मजे की बात, जब वो आपको बैंगलोर भेजेंगे ऑडिट करने के लिए, कोलकाता भेजेंगे, चेन्नई भेजेंगे, जहां पर भी भेजेंगे, आपको क्या लगता है गाड़ी करके देंगे? अरे प्लेन्स में घूमोगे आप सर। फिर खर्चा, अरे खर्चा सीए देगा सर, सीए अपनी जेब से क्यों देगा? अरे सीए क्लाइंट के बिल में जोड़ देगा कि भैया मेरा एक आर्टिकल आया प्लेन में बैठ के, इतना उसका जो है ना प्लेन का किराया लगा है। सीए ने अपने आपका जो आने जाने का किराया है, ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो आप प्लेन से जा रहे हैं, चाहे वो आप रेल से जा रहे हैं, वो सारा उसने जिसकी ऑडिट करी है उससे लेके देगा। आपको टेंशन ही नहीं, आपको तो टिकट मिलेगी जाने के लिए ना, आपने पहले पैसे भर के रिमबर्स कराने। वो ऐसा दिन ऐसा नहीं है कि पहले आप प्लेन की टिकट के पैसे दोगे फिर सीए को कहोगे देखो साहब मैं प्लेन में गया था रिमबर्स करो, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, आपको टिकट मिलेगी। अब स्टाइफंड की बात कर लें, बिग 4, बिग 10, बिग 20 में स्टाइफंड स्टार्टिंग ही 5,000 से हो जाती है, 5,000, 8,000, 10,000, ये पहले साल का बता रहा हूँ, स्कोर बढ़ाते जाएं 15,000, 18,000, 20,000, स्कोर बढ़ा दें 25,000, 30,000, फाइनल ईयर तक आते आते 25,000 रुपये तो स्ट्राइफंड देते हैं, 30-30, 35-35,000 तो रुपये तो स्ट्राइफंड देती हैं बिग 4 बिग फर्म। अब उसमें से कितने पैसे खर्च कर लोगे? शुरू शुरू में पैसे खर्च कर लोगे, नया मोबाइल ले लिया, नए कपड़े ले लिए, नए जूते ले लिए, उसके बाद अरे ये पैसे आप ही की कोचिंग के काम आने वाले हैं। और जब आप फाइनल ईयर में होंगे, आर्टिकलशिप के थर्ड ईयर में होंगे, तो मेरे हिसाब से आप उस समय 21 साल के होंगे, मुश्किल से 21 साल के होंगे, और आप उस समय बिना सीए बने 35-40 हज़ार रुपये स्टाइफंड ले रहे होंगे। प्लस आप रिलेशन की बात करें, आपके रिलेशन कैसे बनेंगे आपके साथ? जब आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके सेकंड ईयर के सीनियर होंगे, थर्ड ईयर के सीनियर होंगे। जब आप सेकंड ईयर में आएंगे तो ये थर्ड ईयर वाले सीए बन चुके होंगे, जो आपके सीनियर थे वो सीए बन चुके होंगे, जिनसे आप आज भी रिलेशन में हैं। जब आप फाइनल ईयर में आएंगे तो ये सेकंड वाले थर्ड में जाके सीए बन चुके होंगे, जिनसे फिर आप रिलेशन में हैं। उस दौरान इस 2 साल तक, पहले और दूसरे साल के आपके जूनियर बच्चे आ चुके होंगे, आप साइड हो जाएंगे, आप सीए बन जाएंगे। 2 साल बाद ये भी जब सीए बनेंगे तो क्या आप इनको नहीं जानते होंगे? हाँ सर, हम इनको भी जानते होंगे। तो 2 साल आपसे बड़े बच्चे और 2 साल आपसे छोटे बच्चे आपके दोस्त रहेंगे, इन सबसे आपके रिलेशन रहेंगे, और इनमें से अधिकतर बच्चा जो सीए बनेगा वो आपके कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आएगा। हाँ सर, ठीक बात है, ये रिलेशन काम आएंगे। दूसरी बात, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो वहां पर बहुत सारे सीए ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे,
ऑलरेडी वो पार्टनर भी हो सकते हैं, वो जॉब भी कर रखे हो सकते हैं। और जिन ऑर्गेनाइजेशंस में आप ऑडिट करने जाओगे उन ऑर्गेनाइजेशन से भी तो आपके रिलेशन बनेंगे। इन रिलेशंस का नियर फ्यूचर में, नियर टू नियर फ्यूचर में और वेरी लॉन्ग पीरियड वाले फ्यूचर में आप बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। सर और कोई एग्जांपल दो ना कॉलेज के बराबर की मस्ती का। मैंने कहा कॉलेज में क्या करोगे, ज्यादा ज्यादा सारा दिल्ली घूम लोगे, मेट्रो घूम लोगे, ओयो में घूम लोगे, और क्या करोगे इससे ऊपर। मैं दिखाता हूँ सीए में क्या करोगे। अगर मान लीजिए आप किसी के पास ग्रैंड हयात की ऑडिट आ जाती है तो क्या आप ग्रैंड हयात में ऑडिट करने जाओगे? हाँ सर जाएंगे। 10 10 दिन लगा के आओगे ऑडिट में? सर हम तो 15 दिन लगा के आएंगे। ग्रैंड हयात में आप 15 15 दिन ऑडिट लगा के आओगे तो खाना कहाँ का खाओगे ग्रैंड हयात का? आपको लगता है नॉर्मल आदमी ग्रैंड हयात में जाके लंच कर सकता है? अरे हम जब बैंक में ऑडिट करने जाते थे तो मेरी एज थोड़ी सी ज्यादा थी, मैंने लेट एज में सीए स्टार्ट की थी, तो मैं जब जाता था तो मेरे प्रिंसिपल ये कहते थे कि मैं तेरे को सीए बना के भेज रहा हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम शो ही नहीं करने होने देते थे, तो सारे बच्चे जो थे वो मेरे को भैया बोलते थे और हम सारे चले जाते थे बैंक में। और बैंक मैनेजर हमारे से पूछता था कि सर खाना यहाँ खाओगे या होटल में जाके खाओगे? अब हम भी बड़े पक्के उस्ताद आदमी थे, हम भी नहीं कहते थे होटल में खाना है, हम भी इसी बात को घुमा के कहते थे। हम कहते थे सर यहाँ पे खाना लेकर आओगे ठंडा हो जाएगा, कम पड़ गया तो फिर तुम भागे भागे जाओगे, यहाँ सारे ऑर्गेनाइजेशन सारे बैंक के अंदर खुशबू हो जाएगी खाने की, वहीं चल के खाते हैं गरम गरम। अब वहीं चल के खाएंगे तो फिर बैंक मैनेजर की कार में ही जाएंगे, आराम से खा के आएंगे, 1.5 2 घंटे लगा कर आएंगे। और भाई साहब बैंक मैनेजर भी चाहता था कि हम बैंक में खाना ना खाएं, क्योंकि जितनी देर हम बैंक में बैठेंगे उतने उनके अकाउंट्स खोलेंगे, उतनी उनकी कमियां बताएंगे, उतनी ही उनकी क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे। जब आप इंटर में आएंगे तो आपको पता चलेगा क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है। उतने हम क्वेश्चन मार्क करेंगे, उतनी उनकी गलतियां ढूंढेंगे, उतने एनपीए निकालेंगे। एनपीए एक वर्ड होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितनी ज्यादा होती हैं उतनी ज्यादा उसकी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती है। हाँ सर सही बात है, हमने कुछ कुछ एवर्ड सुने हुए हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो मैनेजर भी कहता था आओ सर आपको खाना खिलाने ले चलता हूँ। खाना खा के आते थे, 1 घंटा काम करते थे, कहता चलो सर आपको वहाँ सीसीडी में ले चलते हैं, कॉफी पी के आते हैं। सीसीडी आपने जरूर नाम सुना होगा, तो दिल्ली में ऑडिट करते थे वो, फिर सीसीडी के बहाने फिर हमारा 1 1.5 घंटा खराब कर देता था। हमें भी पता था हमें क्या करना है कितना करना है, हमारे को सीए साहब ने बिल्कुल समझा के भेज रखा होता था। कहता था जितना खिलाएं खाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना काम तसल्ली से करते रहना। जैसे ही आप ऑफिस में आके बैठ जाओ, जैसे ही आप सिस्टम पे बैठ जाओ, जैसे ही आप अकाउंट चेक करने बैठ जाओ, इनकी रेल बांध देना। क्योंकि वहां पर क्या होता था, जितनी आपको नॉलेज होती थी उतनी रिस्पेक्ट ज्यादा होती थी, जितनी इनकी गलतियां निकालते थे ना उतनी रिस्पेक्ट ये ज्यादा करते थे। इनको पता लग जाता था ये बंदा है भाई साहब निचोड़ के रख देगा, एनपी लगा देगा, क्वालिफाइड रिपोर्ट लगा देगा। तो ये सारी चीजें आप जाके सीखेंगे। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है ग्रैंड हयात का, मैंने तो छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए आपने किसी होटल की ऑडिट की, मान लीजिए आपने किसी जिम की ऑडिट की, उस जिम के अंदर बहुत सारी जिम्स हैं आज की डेट में इंडिया में जिनके ओनर प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर हैं। जब आप इनकी ऑडिट करते हैं तो आपको उनसे मिलने का मौका मिल जाता है। बहुत सारे जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस, अब मैं यहाँ पे बड़ सीधा बोल रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन सब के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर वो स्लीपिंगली काम कर रहे होते हैं। जब आप काम करने जाते हो तब पता चलता है अरे इसमें विराट कोहली का शेयर है, अच्छा इसमें युवराज का शेयर है, अच्छा इसमें फलाने का शेयर है, अच्छा इसमें जो है ना वीरेंद्र सहवाग का शेयर है। हमें भी नहीं पता होता था जब ऑडिट करने जाते थे, जब पता चलता था इसमें जो है ना विराट कोहली का भी हिस्सा है, इसमें जो है ना सहवाग का भी हिस्सा है, इसमें फलाने का भी हिस्सा है, तो उनसे भी आपको मिलने के चांस रहते हैं। आप तो वहां पे ऑडिट करने गए हैं। और मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ ना, क्या आज की डेट में कोई भी एक ऐसा आदमी जिसकी अर्निंग बहुत अच्छी है, जो बहुत बड़े लेवल पर है और उसने अपना एक सीए नहीं रख रखा? सबने रख रखा है, बताओ किसका सीए नहीं है? कौन से हीरो हीरोइन का नाम लोगे जिसने खुद का सीए नहीं रख रखा? देखो मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ सीए नहीं रख रखा, तो आप इसको नेगेटिव वे में मत ले जाना। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि वो सीए की मदद लेते हैं अपने अकाउंट्स बनाने में, तो मैं देसी भाषा में बोल देता हूँ सबका एक सीए होता है। भाई सिंपल सी बात है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सीए होता है, हर बड़े आदमी का जो लाखों करोड़ों अरब रुपये कमा रहा है उन सबका एक सीए होता है। आपने उससे मिलना है, एक बड़े आदमी से मिलना है, मेरे को विराट कोहली से मिलना है। सबसे आसान तरीका बता देता हूँ, ये पता लगा लो विराट कोहली का सीए कौन है, उसको कहो भाई तू भी सीए मैं भी सीए, एक बार बात करा दे, एक मीटिंग करा दे। आपने किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलना है, आपने सिर्फ एक काम करना है, ये पता लगाना है उसकी ऑडिट कौन करता है, उसका सीए कौन है, उस सीए से मिलना है और कहना है भाई साहब एक छोटी सी मीटिंग करा दो।
लेकिन वो सी आपकी मीटिंग कराएगा नहीं कराएगा, वो आपके प्रपोजल पे डिपेंड करता है कि आपने क्या प्रपोजल दिया, कैसे प्रपोजल दिया। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि आप किस लेवल पर आर्टिकलशिप में रिलेशन बना सकते हो। और जब आप आर्टिकलशिप ईमानदारी से करते हो, जब आप आर्टिकलशिप सीए की 3 साल की आर्टिकलशिप ईमानदारी से करते हो, तो कोई माई का लाल आपको बहुत अच्छी जॉब से रोक नहीं सकता। और अगर आप जॉब बहुत अच्छे ढंग से करते हो, तो 4 से 5 साल बाद आप खुद ही कहोगे, भैया जॉब से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं अपना क्या करूंगा, बिजनेस। और इसका कारण भी बता देता हूं, क्यों करोगे आप बिजनेस? अरे जब आपने 3 साल आर्टिकलशिप करी तो यही तो सीखा पैसे कैसे कमाने हैं। जब आपने 4-5 साल एज ए सीए जॉब करी तो आपने यही तो देखा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने जॉब करी यही तो देखा, रॉ मेटेरियल कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है, कितने रुपए का आ रहा है, मशीन्स कितने रुपए की आ रही हैं, लेबर कितना पैसा लेकर जाती है, जो गुड्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो चीज़ गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सर्विस हम दे रहे हैं, उनसे कस्टमर के कितने, उससे हम कस्टमर से कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं, कितना हमारा प्रॉफिट है। छोटी छोटी बातें भी सीए को पता होती हैं, जड़ तक बिजनेस पता होता है सीए को, जड़ तक बिजनेस पता होता है सीए को। अरे जब सीए अपने मालिक के लिए, जिसके पास वो जॉब करता है उसके लिए वो ले सकता है, ओडी लिमिट बढ़वा सकता है, ओवरड्राफ्ट की लिमिट 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ कर सकता है। इंडस्ट्रियलिस्ट अपने रोहतक की इंडस्ट्रियल एरिया में इतनी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी ओडी लिमिट 4-4 करोड़ है। हमने करवाई थी अपने टाइम में 4-4 करोड़ की ओडी लिमिट, ओवरड्राफ्ट की लिमिट 4-4 करोड़ रुपए, 8-8 करोड़ रुपए, 10-10 करोड़ रुपए। जो सीए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओडी की लिमिट बढ़वा सकता है, लोन ले सकता है, वो क्या जब खुद 4-5 साल बाद काम करने के बाद खुद जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो क्या वो अपने बिजनेस के लिए ओडी की लिमिट नहीं बढ़वा सकता? क्या वो अपने बिजनेस के लिए बैंक से लोन नहीं ले सकता? और अपने बिजनेस के लिए बैंक से अगर वो 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेकर उस पैसे को बिजनेस में घुमाकर अगर उससे 30% पैसा कमा सकता है, तो उसमें से अगर 10% इंटरेस्ट दे भी दिया तो क्या दिक्कत है? 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब ये डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा, लोन पेमेंट होती रहेगी, इंटरेस्ट कम होता जाएगा, अर्निंग कम होती जाएगी, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं जब पैसा बोलूं तो सिर्फ पैसे की बात मत सोचना। सीए एक ऐसा कोर्स है जहां पर आपको रेपुटेशन मिलेगी, जहां पर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, जहां पर आपको सोशल स्टेटस एनहांस होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है जी। अर्निंग तो बाय प्रोडक्ट है, अर्निंग तो बाय प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें स्ट्रोंग कर लो, अर्निंग तो बाय प्रोडक्ट है, अपने आप अर्निंग आएगी। हाँ सर सही बात है, अर्निंग तो आएगी, इतने अच्छे रिलेशन होंगे तो कोई काम हमारा रुकेगा नहीं, एक फोन पे काम हुआ करेंगे। बिल्कुल सही बात है, मेरे भी आज की डेट में बहुत सारे काम तो बड़े इजीली हो जाते हैं, क्योंकि मेरे को तो 18 साल हो गए पढ़ाते हुए, 19 साल तो बच्चा ही, बहुत सारे बच्चे हमने पास करा दिए, तो कोई कहीं एडजस्ट है, कोई कहीं एडजस्ट है, कोई कहीं एडजस्ट है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि आज से 10 साल पहले ये बच्चा था, इसके पापा ये काम करते थे और ये बंदा इस समय वो काम कर रहा है। तो अगर मैं वहाँ पे एक फ़ोन करता हूँ और उसको कहता हूँ, भैया मैं मनोज कालरा बोल रहा हूँ, आप मेरे से पढ़ते थे, 99% बच्चों के पास तो फ़ोन नंबर सेव होता है, वो सीधा कहते हैं हाँ जी सर क्या काम है, तो उनको काम बता देते हैं तो वो काम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो उसके बदले में जो पेमेंट देनी होती है वो हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धक्के तो नहीं खाने पड़े, इधर उधर घूमना तो नहीं पड़ा। यही रिलेशन तो काम आते हैं जो हमें बनाने होते हैं। ये रिलेशन जो आप बीकॉम में बना रहे हैं रेगुलर करके, और यही रिलेशन अगर आप सीए की आर्टिकलशिप में बनाते हैं, देर इज़ ए बिग डिफरेंस। और दूसरी बात, मेन बात, सारी बातों को एक साइड में रखते हुए कि हम सीए के साथ बीकॉम कर रहे हैं, ये बात हमेशा गांठ बांध लेना। सीए के साथ जैसे ही मैं बीकॉम बोलूं तो समझ लेना बीकॉम को सेकंड प्रायोरिटी देनी है, बस बात खत्म। सर और भी कोई तरीका है बीकॉम करने का? मैंने कहा इतना अच्छा तरीका है बीकॉम करने का, हम कहीं पर भी बीकॉम में एडमिशन नहीं लेते, हम सारा ध्यान सीए फाउंडेशन पे लगा देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम सर सारा ध्यान सीए इंटर पर लगा देते हैं, उसके बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने कहा उसके बाद इग्नू से बीकॉम करते हैं, और हमारे सी इंस्टीट्यूट और इग्नू का है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके तहत जितने भी हमारे एग्जाम हैं वो हम दे देते हैं। ये एग्जाम हमें हमारे होम टाउन रोहतक में ही देने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी फीस भी बहुत कम है, 4,000 के अराउंड है, राउंड फिगर में बोल रहा हूँ मैं, 4,000 थोड़ी बहुत कम ज़्यादा है, नेट पे अभी दिखा देता हूँ कितनी है। और एग्ज़ाम भी आपके होम टाउन में नॉर्मली हो जाएंगे, एग्ज़ाम भी वही होंगे जो सीए में नहीं होते लेकिन इग्नू की बीकॉम में होते हैं। जैसे मार्केटिंग है, इंटरनेशनल ट्रेड है, इस तरह की चीज़ें हम सीए में पढ़ते ही नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, अरे हमारा क्या काम, हम तो अकाउंटेंट आदमी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से हमारा क्या काम। तो इस तरह के कुछ एग्जाम हैं जो आपको इग्नू से बीकॉम की डिग्री लेने के लिए करने पड़ेंगे। आपको एक ही बार
चार या पांच एग्जाम देने, कुछ बच्चे कहते हैं छह एग्जाम हो चुके हैं, अभी मैं दिखा देता हूँ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो आपने ये एग्जाम देने और सीधा आपकी बीकॉम सिर्फ 4,000 रुपये में हो जाएगी, 4-4,500 रुपये, कोई टेंशन नहीं, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं। क्या सर ये डिग्री, क्या ये बीकॉम की डिग्री गवर्नमेंट जॉब का अगर फॉर्म भरना पड़े तो एप्लीकेबल है? मैंने कहा एप्लीकेबल है सर। इसकी इसकी जो वैल्यू है वो है कि नहीं है, कम है कि ज़्यादा है? मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, डिग्री की वैल्यू नहीं होती, डिग्री की वैल्यू नहीं होती। एजुकेशन, और यू कैन से दैट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वैल्यू बहुत कम होती है। वैल्यू होती है पर्सन की, वैल्यू होती है उस पर्सन की स्किल्स की, वैल्यू होती है इस पर्सन के अंदर आगे जाने की क्षमता की, वैल्यू होती है ये लाइफ में कितना रिस्क उठा सकता है, इसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, वैल्यू होती है कि ये कितना सेल्फ मोटिवेटेड है, वैल्यू होती है कि इसने अपनी लाइफ में क्या टारगेट सेट कर रखा है, वैल्यू होती है कि इस व्यक्ति ने अपना सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रखा हुआ है। हाँ सर सही बात है। अगर एक व्यक्ति कहता है कि भैया मुझे 70,000 रुपये महीना मिल जाए तो मेरी जिंदगी आराम से कट जाए, तो यकीन मानना जिस दिन वो 70,000 रुपये पहुंचेगा ना, वो लेथार्जिक हो जाएगा, वो आलसी हो जाएगा, वो नई चीजें सीखनी छोड़ देगा और वो 9 से 5 के चक्कर में फंस जाएगा, 9 से 5 के चक्कर में फंस जाएगा। वो कहता है मैं सेटिस्फाई हूं 70,000 रुपये से। तो ये आपने अपना सेटिस्फेक्शन लेवल क्या डिसाइड किया है उस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ग्रोथ करोगे। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में के बेस पर सब कुछ होता तो आज की डेट में जितने टीचर हैं सबकी अर्निंग बराबर होती, आज की डेट में जितने सीए हैं सबकी अर्निंग बराबर होती, आज की डेट में जितने डॉक्टर हैं सबकी अर्निंग बराबर होती, आज की डेट में जितने आर्किटेक्ट हैं सबकी अर्निंग बराबर होती, आज की डेट में जितने इंजीनियर हैं सबकी अर्निंग बराबर होती, आज की डेट में जितने एमसीए बीसीए बीबीए एलएलबी करके घूम रहे हैं, जितने बच्चे बीएड कर रखे हैं सब ने, उन सबकी वैल्यू बराबर होती, जो कि नहीं है। सबको पता है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारी एक क्लास में से 100 बच्चों में से 20 बच्चे टॉप कर जाते हैं, कोई रैंक ले आता है, कोई 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 कुछ कोई कुछ, कुछ बच्चे बिल्कुल टॉप रैंक लेकर आते हैं, रैंक 1 रैंक 2 रैंक बिलो 10 लेकर आते हैं, कुछ एंड में रैंक लेकर आते हैं, कुछ बहुत अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, कुछ सिर्फ पास हो जाते हैं, कुछ बच्चे रह भी जाते हैं। तो मैं अरे जब हमने उसको एनवायरनमेंट सेम दिया, टीचर सेम दिया, नोट सेम दिए, बुक सेम दी, जो टेस्ट मैंने एक ग्रुप के लिए वो सारे टेस्ट सभी बच्चों ने सेम दिए, फिर भी अगर मेरे ग्रुप में 100 बच्चा है तो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स सिमिलर आते हैं, अदरवाइज सबके मार्क्स अलग अलग आते हैं, किसी के 2 कम किसी के 2 ज़्यादा, कोई पास कोई फेल, कोई बहुत अच्छे नंबर से पास कोई नॉर्मल नंबर से पास, कोई पासिंग मार्क्स पे पास और कोई पासिंग मार्क्स से 10 नंबर पे फेल। क्यों हो रहा है इतना सब कुछ? उन्होंने अपना एक सेटिस्फेक्शन लेवल सेट कर रखा है, उन सब का एक सेल्फ मोटिवेशन लेवल देखना पड़ता है। सेल्फ मोटिवेशन लेवल जहां तक आपका है वहीं तक आप काम करेंगे, आप इन चीजों पे वर्किंग करें, इस चीज की चिंता भूल जाएं कि बीकॉम करनी है। मैं तो कहता हूं भाई साहब, मेरा अगर सगा कोई रिलेशन में बच्चा है और अगर वो सीए करता है तो मैं तो कहता हूं भैया सिर्फ सीए पे ध्यान दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब इंटर हो जाए 4-5 पेपर दे के बीकॉम की डिग्री इग्नू वाला दे देगा, बात खत्म, बात खत्म। मेरी खुद की भतीजी इस समय सी इंटरमीडिएट में है और वो कहीं से बीकॉम नहीं कर रही, वो कह रही है चाचा जी जैसे आप कहोगे मैं वैसा करूंगी, सीए फाउंडेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड में पास हुई है, इंटरव्यू उसको फर्स्ट में पास कराऊंगा और उसकी आर्टिकलशिप भी बिग 10 में 99.9% बिग 10 में कराऊंगा। तो हो सकती है, कोई बात नहीं है, सपने बड़े लेने चाहिए। अगर आपने डीयू के किसी बहुत अच्छे कॉलेज का ड्रीम देखा था और अगर आज मैंने आपको बता दिया कि भैया इससे भी कोई बड़ी बड़ा ड्रीम हो सकता है आपकी लाइफ में, एंड यू आर कैपेबल, यू आर एलिजिबल, अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो उस लेवल पे पहुंच सकते हो, तो बताओ क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप अपने आप से सोचना कि अगर मैं आपके टारगेट को एनहांस कर रहा हूं, अगर मैं आपके ड्रीम को एनहांस एनहांस कर रहा हूं, अगर मैं आपके स्टेटस को एनहांस कर रहा हूं, अगर मैं आपकी लाइफ की जो है ना जीने की जो जीने का जो तरीका है, लाइफ को एंजॉय करने का तरीका, उसको एनहांस कर रहा हूं, तो बताओ मैं क्या गलत कर रहा हूं? सपने ही लेने हैं तो बहुत अच्छे लो, मेहनत ही करनी है तो बहुत अच्छी करो, बहुत अच्छी करो, क्या दिक्कत है? हाँ सर सही बात है। तो अब इतनी सारी बातें बताने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि सर सीए से ऊपर कुछ है ही नहीं, मैं तो खुद कहता हूँ सीए से ऊपर कुछ है ही नहीं। गूगल पे डालो टॉप मोस्ट टिपिकल एग्जाम ऑफ इंडिया, आपको पहले देगा आईएएस एचसीएस, हरियाणा सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विसेज, आईआरएस, उसके बाद सीधा सीए फाइनल बोलेगा, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कुछ नहीं।
एमबीबीएस से भी मुश्किल इसको कैटेगरी में लाया गया है। अरे इसमें दम है तभी तो इसको लाया गया है उसकी कैटेगरी में। तो सर फिर वही बात ना सर, आप कह रहे हो मुश्किल है और आप कह रहे हो बीकॉम मत करो। अरे मुश्किल जब हो जाएगी जब बीकॉम तंग करेगी। मेरे को बीकॉम तंग ही नहीं करेगी तो मेरा 100 के 100% ध्यान कहाँ रहेगा सीए में, और मेरा 100 के 100% ध्यान सीए में रहेगा तो मुझे सीए करने से कोई रोक ही नहीं सकता। सर आपकी सारी बातें सही हैं। हमारा एक सपना था, मेरा एक सपना है। क्या सपना है आपका? सर हमारा एक सपना था लाइफ एंजॉय करने का। हमारा एक सपना था लाइफ को एंजॉय करने का, वो आपने चूर चूर कर दिया। मैंने कहा भाई साहब एंजॉय करने का सपना मैंने इंक्रीज करा है। मैंने आपको बताया है कि अगर आप बी कॉम करते तो जो रिलेशन बनते वो आपका क्या साथ देंगे, अगर आप सीए के अंडर आर्टिशिप करेंगे उससे जो रिलेशन बनेंगे वो आपका क्या साथ देंगे, और ये मैंने आपको सच्चाई बताई है। अब सच्चाई से अगर आप मुंह मोड़ना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। सच्चाई से अगर आप मुंह मोड़ना चाहते हैं तो आप वो क्या आपकी मर्जी है। सर मान लो हमने बीकॉम नहीं करी और सीए में रह गए तो मैंने कहा क्या आफत आ जाएगी, 6 महीने बाद फिर एग्जाम होते हैं। और हमारे सीए में तो एक मजाक वाली बात बोली जाती है, वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे, आफ्टर एवरी नवंबर देर इज ए मे। हर नवंबर के बाद मई आता है और हर मई के बाद नवंबर आता है। वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे, आफ्टर एवरी नवंबर देर इज ए मे। अरे आप 21 साल में सीए नहीं बनोगे तो 21.5 में बन जाओगे, 21.5 में नहीं बनोगे तो 22 में बन जाओगे, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बीकॉम रेगुलर के चक्कर में सीए छोड़ोगे तो बनना ही तुमने 22 साल में है। तो बनना ही 22 साल में है। और एक आधी बैक लगी, एक आधी बार रह गई तो फिर वो 22.5, फिर वो 23, फिर वो 23.5 होएगा। अब हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चीज आप सोच रहे हैं मैंने उसके इक्विवेलेंट और उससे भी नेगेटिव सोच के आपको बता दिया कि आप जितना मर्जी नेगेटिव सोच लें तो भी सीए के साथ बीकॉम रेगुलर करने में नुकसान ही नुकसान है। सर मान लो, मैंने कहा आज आज बोलो क्या मान लो। सर सीए हुई नहीं हमारी, फाइनल नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, इंटर और बता दो होगी कि नहीं होगी। सर सीए इंटर होगी। अगर आपकी सीए इंटर हो जाती है तो इस बात की मेरी गारंटी कि आप आर्टिकलशिप में तो एडमिशन लोगे लोगे। हाँ सर आर्टिकलशिप तो करेंगे, वो तो फाइनल के एग्जाम के बाद पता चलेगा ना फाइनल हो रही है कि नहीं हो रही। और मैं कह रहा हूँ जिसका एक ग्रुप निकल गया वो दूसरा ग्रुप देगा ही देगा। उसको पता है आज नहीं तो 3 महीने बाद मैंने फिर सीए बन जाना है। कौन सा 1 साल बाद पेपर हो रहे हैं, 6-6 महीने बाद पेपर हो रहे हैं, उसमें से दो दो ढाई ढाई महीने बाद रिजल्ट आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसी समय हताश हो जाओगे निराश हो जाओगे, नहीं। एक आधी बार अगर कोई बच्चा रह जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सीए पे एग्जाम दे देगा। सत्य से हमें कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। नेगेटिव बात भी हमें दिमाग में लेकर चलनी चाहिए, पॉजिटिव बात भी हमें दिमाग में लेकर चलनी चाहिए, लेकिन इतना नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए कि मैं उसके सारे पॉजिटिव चीजों को छोड़ दूं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं सीए फाउंडेशन का पेपर देने जाते हैं और दो दो कैलकुलेटर जेब में लेके जाते हैं। मैंने कहा भाई दो कैलकुलेटर का क्या करेगा, कह रहा एक खराब हो गया तो। मैंने कहा तेरे से जमा नेगेटिव तो मैंने बच्चा देखा ही नहीं। मैंने कहा दूसरा भी खराब हो गया तो, कह रहा ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं कहा फिर पहला कैलकुलेटर खराब हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं सर हमारी किस्मत ही खराब है, हम क्या करें, हमारी किस्मत ही खराब है इसलिए हम दो कैलकुलेटर लेके जा रहे हैं। मैं कहा ले जा भाई। अब आप इतने नेगेटिव बनोगे, जितना जितना ज्यादा चिंता करोगे उतनी चिता के नजदीक पहुंच जाओगे। चिंता और चिता में कोई फर्क ही नहीं है। चिंता करनी नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत कैसे करनी चाहिए, सिस्टमेटिक वे से मेहनत करनी चाहिए, स्मार्ट वे से मेहनत करनी चाहिए, टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, टू द पॉइंट मेहनत करनी चाहिए। ज्यादा एनालाइज करने से भी पैरालाइसिस हो जाता है, मोर एनालाइसिस गिव बर्थ टू पैरालाइसिस। ऐसा ना हुआ तो, वैसा हो गया तो, मुंगेरी लाल के सपने हैं। अंडे लेकर आया टोकरी में रखे और सो गया, सपने देखने लग गया इतनी मुर्गियां पैदा होंगी, उनके इतने बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फलाना डिमकाना करोड़ करोड़पति बन गया। एकदम उठा और वो मत्था लगा, सारे अंडे टूट गए, मुंगेरी लाल के सपने हो जाएंगे। मोर एनालिसिस, अरे एनालिसिस करना चाहिए, मैं मना नहीं करता एनालिसिस के, मैं फेवर में हूं, लेकिन इतना भी एनालिसिस ना करो कि वो आपको पैरालाइज कर दे। अच्छा हाँ सर छोड़ो ना, कौन इतनी मेहनत करे, मैंने सुना है सीए करते करते बंदे गंजे हो जाते हैं, आप भी तो रखियो। अरे फिर क्या हो गया, दो बाल उड़ गए तो क्या हो गया, ये तो जो है ना नेचुरल सी बात है। अगर आप कुछ वर्क करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं तो जितना आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करेंगे उसका रिजल्ट भी तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने से रिजल्ट भी आपका क्या रहेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और ये जो रिजल्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं बार बार कह रहा हूं सिर्फ पैसे के मामले में नहीं है। गर्ल्स अगर मेरी वीडियो देख रही है तो बड़े ध्यान से सुन ले,
मेरा मानना ये है कि गर्ल्स जब भी जॉब में जाएं, कभी भी लोअर लेवल की जॉब में ना जाएं। लोअर लेवल की जॉब में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। हर एक बंदा आपको दूसरी नजर से देखता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे आदमी बेकार होते हैं, मैं भी एक पुरुष हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। फिर भी एक रिसेप्शन पे कोई लड़की बैठी है, मुझे कुछ कुछ सोच के बताएं, क्या उसको कोई भी बहुत बहुत अच्छी इज्जत की नजर से देखेगा? नहीं। कोई लड़की कंप्यूटर ऑपरेटर बैठी है, क्या उसको बहुत अच्छी नजर से कोई देखेगा? नहीं। कारण क्या है? उसके पास उसकी खुद की रेपुटेशन नहीं है, उसकी खुद की क्वालिफिकेशन नहीं है। गर्ल्स ध्यान दें, मेरे हिसाब से जॉब कौन कौन सी अच्छी होती है। मेरे हिसाब से एक बैंक की जॉब बहुत अच्छी होती है, गर्ल्स के लिए बता रहा हूं मैं। एक टीचर की जॉब बहुत अच्छी होती है, एक सीए की जॉब बहुत अच्छी होती है गर्ल्स के लिए, और एक डॉक्टर का पेशा बहुत अच्छा होता है गर्ल्स के लिए। ये डॉक्टर वाला पेशा तो आप पीछे छोड़े आए। हाँ सर, डॉक्टर वाला पेशा तो हम पीछे छोड़ा है क्योंकि हमने क्या ले ली? कॉमर्स। अब सीए करने के बाद आप डायरेक्ट बैंक में बैंक मैनेजर लग सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर लग सकते हैं। एज ए सीए जब आप काम करेंगे किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो हर जगह आपके पास पढ़े लिखे लोग होंगे, आपके जैसे एजुकेटेड लोग होंगे जो सीए होंगे, या जिनको पता होगा कि सीए की वैल्यू क्या है। तो कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी कि आपको गलत नजर से देख पाएगा। या फिर आप टीचर भी बन सकते हैं, आप एक्स कोर्स है जी सीए, तो सीए कर ली, तो बताओ कौन सी चीज आपको नहीं आती है। आप टीचर बने, आप सीए एज ए सीए काम करें, आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें, आप प्राइवेट फील्ड में काम करें, आप खुद का ऑफिस खोलें, आप सीए बन के बैंकिंग फील्ड में जाएं, सब की सब ग्रोथ देने वाली, सब की सब रिस्पेक्ट करने वाली। जब आपके पास पावर होती है ना सर, फिजिकल पावर। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो? फिजिकल पावर नहीं, आपके पास कलम की पावर होती है जब, आपके पास सिग्नेचरी पावर होती है जब, तब आपको काम करने का मजा आता है। जब आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, अर्निंग भी मिलती है, रेपुटेशन मिलती है, स्टेटस भी बढ़ता है, सारी चीजें साइमल्टेनियसली मिलती हैं। और मजे की बात, अब आप गर्ल हो और आप जिस लेवल पर पहुंच जाते हो, जब आप शादी करोगे तो कम से कम उसी लेवल के लड़के से करोगे। अब बड़ा भले ही हो आपसे, कम नहीं होगा। तो आप खुद सोच लें, 10 साल बाद, 12 साल बाद आपकी फैमिली किस लेवल पर पहुंच जाएगी, आपका स्टेटस किस लेवल पे पहुंच जाएगा। मेरे हिसाब से आज कुछ ज़्यादा मैंने लेक्चर दे दिया, मुझे उम्मीद है आप मोटिवेट हो गए होंगे और आपको बीकॉम रेगुलर और बीकॉम कॉरेस्पॉन्डेंस का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और हमें सीए के साथ क्या करना चाहिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्या करना चाहिए मैंने बता दिया जो बताना था। फैसला आपका है, जीवन आपका है, खुद से देखें सीए के साथ बीकॉम करनी है या बीकॉम के साथ सीए करनी है, प्रायोरिटी किसको देनी है ये आपने देखना है। बिग फोर, बिग टेन, बिग ट्वेंटी जो मैंने आपका ड्रीम एनहांस कर दिया, नए रिलेशन जो मैंने आपका जो है ना ड्रीम एनहांस कर दिया, और जब आप आर्टिस्टिप के फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो उस समय सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले दोस्त, जब आप थर्ड ईयर में आ जाएंगे जब तक आपके सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर वाले जो दोस्त नए बनेंगे, वो जो आपके सीनियर थे, वो जो आपके जूनियर है, वो जिनके अंदर आपने आर्टिस्टिप करी है, वो और उन सबके दोस्त, और जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आपने ऑडिट करी है, वो ये सब रिलेशन आपको कहाँ ले जा सकते हैं, अब ये आपने सोचना है। कौन से आपने रिलेशन बनाने हैं, किस तरह के रिलेशन आपने बनाने हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर होंगे। फिर भी अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक्स अ लॉट।